तो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बता रहा हूँ कैसे अपने सैमसंग के फ़ोन में हाउसवर्ड पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो जैसे हम अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करते हैं तो हमको यहाँ पर ऑप्शन भी आता है, क्या कहते हैं, कनेक्टिंग का। तो सिंपली में कनेक्टिंग वाले उसमें क्लिक कर लेना है। तो कनेक्टिंग वाले उसमें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल हॉटस्पॉट। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमको यहाँ पर फिर से मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिलता है। तो मैं फिर से क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमको पासवर्ड चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमको यहाँ पर सला उसमें क्लिक कर देना है कौन फिंगर। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमको पासवर्ड चेंज करना है। तो सिंपली हम चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के बाद हम यहाँ पर तो 8 GB का होना चाहिए। तो हम यहाँ से सेव करके सेव कर देंगे। प्रेस कर देखिए हमारा हाउसवर्ड पासवर्ड है बस चेंज हो गया हमारे सैमसंग के फ़ोन में। तो आज की वीडियो पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।